तो फाइनली दोस्तों हम कक्षा 11वीं विषय गणित का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर देखने वाले हैं, जो कि आपका कल अर्थात 9 जनवरी को होने वाला है। तो इसमें दिए गए सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए, जो कि 6 अंक में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, यदि ए बराबर एक सेट है जिसमें 1, 2, 3, 4 अवयव दिए गए हैं और बी बराबर एक सेट है जिसमें 3, 4, 5, 6 अवयव दिए गए हैं, तो हमें ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, डी नंबर का ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर इसमें 3 और 4 अवयव आ जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, फलन एफ एक्स बराबर मॉड एक्स कहलाता है, तो क्या कहलाता है? मापांक फलन कहलाता है। सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद जो है तीसरा क्वेश्चन है, साइन वर्ग पाई बटे 6 प्लस कॉस वर्ग पाई बटे 3 का मान होता है, तो यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर कितना होगा? 1/2 होगा। बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है इस प्रकार से, आई पर 4 की घात का मान होगा, तो इसका जो मान होता है यहाँ पर 1 होता है। बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। पाँचवा प्रश्न है, एन पी 0 का मान होगा, तो कितना होगा? यहाँ पर 1 हो जाएगा। बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न 6 इस प्रकार से दिया गया है, ए प्लस बी पर एन की पावर के प्रसार में कुल पदों की संख्या होगी, तो कितनी होगी? एन प्लस 1 होगी। बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है, जो कि रिक्त स्थान पूछे गए हैं। पहला खाली स्थान है वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है, कौन सा समुच्चय कहलाता है? तो परिमित समुच्चय कहलाता है। तो पहले खाली स्थान का आंसर क्या हो जाएगा? परिमित समुच्चय इसका राइट आंसर होगा। तो सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि सभी को इसका बेनिफिट हो सके। इसके बाद दूसरा खाली स्थान इस प्रकार से पूछा गया है कि ए या बी में से कोई अपरिमित समुच्चय है, तो ए क्रॉस बी समुच्चय होगा, तो कौन सा समुच्चय होगा? अपरिमित समुच्चय होगा। कौन सा समुच्चय होगा? अपरिमित समुच्चय होगा। इस प्रकार से राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपरिमित समुच्चय इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद जो है तीसरा खाली स्थान है, माइनस √3 प्लस आई का मापांक होगा, तो यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मापांक कितना होगा? 2 इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद जो है चौथा खाली स्थान है, एक्स के उन मानों को जो दिए गए असमीका को एक सत्य कथन बनाते हैं, उन्हें असमीका का खाली स्थान कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हल कहते हैं। क्या कहते हैं? असमीका का हल कहते हैं। तो चौथा खाली स्थान का आंसर हल होगा। इसके बाद पांचवा खाली स्थान है, यदि ए बी की ढाल बराबर बी सी की ढाल, तो बिंदु ए बी सी होंगे, तो बिंदु ए बी सी कैसे होंगे? संरेख होंगे। कैसे होंगे? संरेख होंगे। पांचवें खाली स्थान का आंसर संरेख होगा। इसके बाद छठवां खाली स्थान है, वाई अक्ष एवं जेड अक्ष दोनों एक साथ मिलकर कौन सा तल बनाते हैं? तो वाई जेड तल बनाते हैं। कौन सा तल बनाते हैं? वाई जेड तल बनाते हैं। सातवां खाली स्थान है, यदि वाई बराबर एक्स घन प्लस 3x² + 3x है, तो x बराबर 0 पर dy/dx का मान कितना होगा? तो कितना होगा यदि आप इसको सॉल्व करेंगे? तो 3 होगा। तो इस प्रकार से रिक्त स्थान हो जाएंगे, इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 3 है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, यदि a बराबर इस प्रकार से सेट दिया गया जिसमें 2, 4, 6, 8 अवयव दिए गए हैं, और b बराबर इस प्रकार से सेट दिया गया जिसमें 6, 8, 10, 12 अवयव दिए गए हैं, तो हमें ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी कैसे ज्ञात करते हैं? हम दोनों सेट में हम उभयनिष्ठ अवयव को चेक करते हैं जो दोनों में हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों में क्या है, यहाँ पर 2 नहीं है, 4 नहीं है, यहाँ पर दोनों में 6 है, तो 6 अवयव आ जाएगा। इसके बाद 8 है, तो 6 और 8 इसका राइट आंसर होगा। ए इंटरसेक्शन बी का मान इसमें कौन कौन से अवयव आ जाएंगे? 6 और 8 अवयव आ जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, यदि ए बराबर इस प्रकार से एक सेट दिया गया जिसमें 1, 2 अवयव हैं, और बी बराबर एक सेट दिया गया जिसमें 3, 4 अवयव हैं, तो ए से बी के संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। तो दूसरे प्रश्न का आंसर कितना होगा? 16 होगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, जेड बराबर माइनस आई का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? प्लस आई होगा। इस प्रकार से आई हो जाएगा।
इसके बाद जो है प्रश्न चार इस प्रकार से दिया गया, इसको आप यदि सॉल्व करेंगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 18 इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद पांचवा प्रश्न है गुणोत्तर श्रेणी इस प्रकार से दी गई, ए ए आर ए आर का वर्ग का एनवा पद लिखिए, तो पांचवें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो एनवा पद होगा ए आर पर एन माइनस वन की घात आ जाएगी। इसके बाद जो है पांचवा प्रश्न इस प्रकार से, सॉरी छठवां प्रश्न, बिंदु माइनस दो और तीन से जाने वाली और ढाल माइनस चार की रेखा का समीकरण लिखिए, तो यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ढाल का समीकरण क्या हो जाएगा, 4x प्लस वाई प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस प्रकार से छठवें प्रश्न का आंसर होगा, इसको आप अच्छे से नोट करें। इसके बाद सातवां प्रश्न है बिंदु माइनस 3 5 0 किस तल पर स्थित है, तो यदि आप इसको तल पर दर्शाएंगे तो किस तल पर होगा, एक्स वाई तल पर होगा, एक्स वाई तल इसका राइट आंसर होगा, तो इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 4 है सही जोड़ियाँ मिलाइए इस प्रकार से दी गई हैं, तो यदि हम ए का डबल डैश निकालें, आपको ध्यान रखना है ए का डबल डैश क्या होता है, ए के बराबर होता है, डी नंबर का ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद दूसरे का जो आंसर होगा सेक वर्ग एक्स माइनस वन जो होता है वह किसके बराबर होता है, टेन वर्ग एक्स के बराबर होता है, एफ नंबर से आपको मिलाना है। इसके बाद तीसरे नंबर पर दिया गया है साइन टू एन पाई प्लस एक्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर से आपको मिलाना है, साइन एक्स के बराबर होता है। इसके बाद जो चौथे नंबर पर दिया गया है लिमिट एक्स टेंस टू एक्स सेक एक्स दिया गया है, तो इसका जो आंसर होगा आपको मिला देना है बी नंबर से, 0 होगा। इसके बाद पांचवें नंबर पर दिया गया लिमिट एक्स टेंस टू थ्री दिया गया है, सॉरी एक्स टेंस टू वन दिया गया है और पाई आर वर्ग दिया गया है, तो इसका आंसर आप सी नंबर से मिलाएंगे, पाई इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद छठवें प्रश्न दिया गया है डी अपॉन डी एक्स, इसके बाद साइन वर्ग एक्स दिया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइन वर्ग एक्स होगा। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 है सत्य असत्य लिखिए, जो कि 6 अंक में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है इस प्रकार से, मोड के अंदर एक फाई दिया गया, फाई एक रिक्त समुच्चय है, तो यह कथन क्या होगा, असत्य होगा, क्योंकि जो रिक्त समुच्चय होता है तो उसमें कोई भी अवयव नहीं होता, अर्थात यहाँ पर खाली अवयव होते हैं, इस प्रकार से हम इसको दर्शाते हैं या फिर इसको हम फाई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। लेकिन इसमें इनने क्या किया है कि फाई को इस कोष्टक के अंदर लिख दिया, इसलिए एक रिक्त समुच्चय नहीं है, यह कथन क्या होगा, असत्य होगा। इसके बाद जो है दूसरा प्रश्न है रेडियन माप बराबर 180 बटे पाई डिग्री माप है, तो यह कथन क्या होगा, सत्य होगा। इसके बाद जो है तीसरा प्रश्न दिया गया है इस प्रकार से, तो यह कथन आपका क्या होगा, सत्य होगा। चौथा प्रश्न इस प्रकार से है ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन सी एक रैखिक असमीका है, तो यह कथन भी क्या होगा, सत्य होगा। इसके बाद जो है पांचवा प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 5C2 का मान 20 होता है, तो यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 20 नहीं आएगा, तो यह कथन क्या होगा, असत्य होगा। इसके बाद प्रश्न 6 दिया गया है कि a प्लस बी पर n की पावर के प्रसार में प्रत्येक पद में a तथा b की घात का योग n है, तो यह कथन क्या होगा, सत्य होगा। तो इस प्रकार से सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद हम 2 अंक 3 अंक और 4 अंक के प्रश्न देखने वाले हैं विद आंसर के साथ, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 6 से 2-2 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। प्रश्न क्रमांक 6 इस प्रकार से पूछा गया है कि r बराबर एक संबंध दिया गया है x x प्लस 5 सच दैट x बिलोंग्स टू, इस प्रकार से अवयव दिए गए हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 द्वारा परिभाषित संबंध, R के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। इसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा गया है कि fx बराबर इस प्रकार से अंडर रूट 9 माइनस एक्स वर्ग का प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए, तो इस प्रकार से दोनों क्वेश्चन को आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। इसके बाद हम इनका आंसर देखते हैं, तो इस प्रकार से इनका सॉल्यूशन दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से नोट करें, इस प्रकार से दिया गया है। इसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका सॉल्यूशन दिया गया है, तो इसको भी आप अच्छे से नोट करें, इसको आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। और हमारे चैनल के द्वारा जो है क्लास 9th से लेकर क्लास 12th की NCERT मैथ्स पढ़ाई जाती है, इसलिए आप हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ें। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 7 में 2 अंक में पूछा गया है,
40 डिग्री 20 कला को रेडियन माप में बदलिए। इसके अथवा में पूछा गया है साइन 75 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। इन दोनों क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। इसके बाद हम इनका आंसर देखते हैं। तो इस प्रकार से आंसर दिया गया, इसको आप अच्छे से नोट करें। इसके बाद इसके अथवा में पूछा गया साइन 75 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से आंसर होगा, इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 8, जो कि 2 अंक में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक घड़ी में मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है जब पाई का मान 3.14 का प्रयोग करें। इसके अथवा में क्वेश्चन पूछा गया है एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है तो 1 सेकेंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। तो इस प्रकार से इनको आपको तैयार करना है। इस प्रकार से नीचे आंसर दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न को आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। इसके बाद इसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका आंसर होगा, इसको आप अच्छे से नोट करें। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 9, इस प्रकार से पूछा गया है, यहाँ पर अथवा में इस प्रकार से पूछा गया कि 2-3i का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से सॉल्यूशन दिया गया है, इसको आप अच्छे से नोट करें। इसके बाद इसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा गया इसका सॉल्यूशन होगा, इसको आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से दिया गया है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10, जो कि यहाँ पर 2 अंक में पूछा गया है, हल कीजिए। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको हल करना है। इसके अथवा में पूछा गया है क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनमें दोनों संख्या 10 से बड़ी हों और उनका योगफल 40 से कम हो। इस प्रकार से इन दोनों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके देख लेना है। इस प्रकार से आंसर दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से नोट करें। इसके बाद थोड़ा सा आगे दिया गया है, तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। इसके अथवा में यह क्वेश्चन पूछा गया है, इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 11, इस प्रकार से क्वेश्चन 2 अंक में पूछा गया है, इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। तो इस प्रकार से इन दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया गया है, इसको आप अच्छे से नोट करें। इस प्रकार से दिया गया है, इसके अथवा का सॉल्यूशन जो है इस प्रकार से दिया गया, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इस प्रकार से इसके अथवा का सॉल्यूशन दिया गया है। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 12, जो कि 2 अंक में पूछा गया है, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप नोट करें। इस प्रकार से अथवा में पूछा गया है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 पूछा गया है, और यदि इसकी आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, तो टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी PDF उपलब्ध कराई जाएगी, या फिर आप टेलीग्राम पर हमारे चैनल का नाम सर्च कर सकते हैं। फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन के नाम से टेलीग्राम पर चैनल बनाया गया है, वहाँ पर जो है 1000 से अधिक छात्र जुड़े हुए हैं, तो आप भी ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको इसकी PDF उपलब्ध कराई जाएगी। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 का हल हो जाएगा, इसको आप नोट करें। इसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा गया इसका सॉल्यूशन होगा, इसको आप अच्छे से नोट करें। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13, इस प्रकार से पूछा गया, इसको आपको तैयार करना। इस प्रकार से सॉल्यूशन दिया गया है, तो इसको भी आप अच्छे से नोट करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसके अथवा में जो पूछा गया है इसका सॉल्यूशन दिया गया है, इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 14, इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 का अथवा दिया गया है और प्रश्न क्रमांक 14 दिया गया है, 14 का अथवा दिया गया है और नीचे इसका सॉल्यूशन दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से नोट करें। इस प्रकार से देख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 का जो अथवा का क्वेश्चन है, इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन होगा, इसको आप नोट करें। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15, इस प्रकार से पूछा गया, आप देख सकते हैं, इनका सॉल्यूशन आप देख लीजिए। इस प्रकार से सॉल्यूशन दिया गया, सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 15 का सॉल्यूशन, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 का जो अथवा में क्वेश्चन पूछा गया इस प्रकार से सॉल्यूशन होगा, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16, जो कि यहाँ पर 3 अंक में पूछा गया है, इस प्रकार से 2 क्वेश्चन दिए गए, अथवा में दिया गया है और प्रश्न क्रमांक 17 दिया गया है, तो इनका आप सॉल्यूशन देख लीजिए। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 16 का आंसर होगा, इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसका आंसर होगा, इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 का जो अथवा का क्वेश्चन है, इस प्रकार से दिया गया, इसको आप नोट करें। इसका सॉल्यूशन दिया गया है और नीचे और भी दिया गया, इसको आप तैयार करें। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17, इस प्रकार से पूछा गया है
इनको आप तैयार करें। नीचे इसका सॉल्यूशन दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से नोट करें। इस प्रकार से दिया गया है। इसके बाद इसके अथवा का आंसर दिया गया है, इसको आप नोट करें। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 18 पूछा गया है, इस प्रकार से इसको आप तैयार करें। इसके अथवा में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका नीचे सॉल्यूशन दिया गया है, इसको आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से सॉल्यूशन दिया गया, तो इसका आप नोट अच्छे से नोट करें। इसके बाद आगे थोड़ा सा दिया गया है, इसके बाद इस क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व कर लेना है। इस प्रकार से सेम क्वेश्चन है, इसके बाद इस क्वेश्चन को भी आपको तैयार करना है। 777 777 7777, इसी प्रकार से पांच वाला आपको तैयार करना है, और इस आठ वाले को आपको तैयार कर लेना। इन तीनों क्वेश्चन को आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 इस प्रकार से पूछा गया है, इन दोनों क्वेश्चन को भी आपको तैयार करना है। तीन अंक में क्वेश्चन पूछा जाता है, इस प्रकार से इनका सॉल्यूशन दिया गया है, तो इनको आप अच्छे से नोट करें। इसके बाद इसके अथवा में 10x का अवकलन या अवकलज का परिकलन कीजिए, इसका सॉल्यूशन दिया गया है, इसको आप अच्छे से नोट करें। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 20 इस प्रकार से पूछा गया है, इन दोनों क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करके देख लेना है। इस प्रकार से इनका सॉल्यूशन दिया गया है, तो इनको आप अच्छे से नोट करें। इसके बाद इस प्रकार से दिया गया है, तो इसको भी आप नोट करें इस प्रकार से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 21 इस प्रकार से पूछा गया है, नीचे इन दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से नोट करें। इस प्रकार से आंसर दिया गया, इसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा गया इस प्रकार से, इसको भी आपको तैयार करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 21 इस प्रकार से पूछा गया है, इसको भी आपको तैयार करना। प्रश्न क्रमांक 22 दिया गया है, तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना है। इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन दिया गया है प्रश्न क्रमांक 23 इस प्रकार से पूछा गया है, इसके अथवा में दिया गया, नीचे इसका सॉल्यूशन दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से नोट करें। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।